अप टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग जी हाँ कैंसर में बीस प्रतिशत तक की छूट दे रही हूँ पर्सनल रीडिंग में पच्चीस नवंबर से पहले पहले अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे आपको बीस प्रतिशत तक की छूट मिलेगी सो so, मेरा व्हाट्सएप लिंक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कॉमेंट सेक्शन पर मैंशन है क्लिक कीजिए मेरा व्हाट्सएप लिंक और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस ओके वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग टाइम्स टाइम नीचे मैंशन है So let's get started with your reading, okay? पहले हम चेक करेंगे एल्कमी टेक्स से आपके लिए क्या मैसेज आता है चेक, से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए मैसेज आया है फ्लोज वेरी ब्यूटिफुल कार्ड इस कार्ड का मतलब पता हूँ क्या होता है इस कार्ड का मतलब होता है कि कुछ अवेकनिंग होने वाली है आपकी कैंसर जी हाँ कैंसर वींग इज दैट आपको काफी आंसर ऐसे आंसर जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे उसके जवाब आपको नवम्बर मंथ में मिल रहे विध दिस रोज और इसमें स्नेक है कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यू आर हैविंग ऑफ किल देम कैंसर मतलब लोगों को आप अपना मुझे ये दिख रहा है कि आप अननेसेसरी लोगों पे सिचुएशंस पे गुस्सा नहीं होते हो आप अब हर सिचुएशन को कामली डील करने लग गए हो लाइक यू आर लाइक कि कोई आपको नाराज करता है गुस्सा दिलाता है यू आर like, लाइक हाँ ओके दैट्स फाइन बट आई डोंट केयर मेरे हिसाब से आप अपनी एनर्जी फालतू लोगों में फालतू चीजों में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो अब आपको पता है कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है किस चीज पर लगानी है किन लोगों पे लगानी है एंड विच इज अ वेरी गुड एटीट्यूड कैंसर यू नो हाउ यू वॉन्ट टू डील विथ पीपल अननेसेसरी लोगों को जवाब देना गुस्सा करना रिएक्ट करना दैट्स नॉट हाउ यू आर कैंसर यू आर बिकमिंग दिस इवॉल्व uh, पर्सन और आपका अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ बहुत ही पॉजिटिव बहुत ही केयरिंग हो रहा है ये भी मुझे दिख रहा है। cancer, से. आपके लिए मैसेज okay. hmm. आया है द फ्लाय का ब्यूटिफुल्ड कैंसर फ्लाई बहुत ही मिस अंडरस्टूड इंसेक्ट होता है बट फ्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट ये Seeds को फैलाते हैं फर्टिलाइज करते हैं लैंड को और प्लांट्स उगाते हैं इसका मतलब स्ट्रांगली कैंसर जो मैंने यहाँ चीज बोली एग्जैक्टली exactly सेम यही मतलब है मेरे हिसाब से आप बहुत बड़े सर्वाइवर हो कैंसर कैंसर जितनी भी लाइफ में तकलीफें आपको मिली है ना वो बहुत टफ टफ तकलीफें हैं आपने वो सर्वाइव करके आप आगे बढ़े हो सो यू हैव टू गिव अ पैक पैक ऑन योर बैक पैक ऑन योर बैक मतलब अपने आप को मेरे सब से ना अब अपने आप को बहुत अंडर एस्टीमेट कर रहे हो कैंसर कैंसर डोंट अंडर एस्टीमेट योरसेल्फ अपने आप को ना अपने आप को ना वो स्ट्रेंथ दो अपने आप को बोलो कैंसर तुमने ये ये चीज अपनी लाइफ में सर्वाइव की है तो तुम तो तुम हो एस लाइक तुम हो एक अच्छे इंसान अपने आप को ना थोड़ी रिस्पेक्ट देना सीखिए कैंसर दिस इज अ स्ट्रांग मैसेज कमिंग फॉर यू ये मत सोचो कि यार मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया आप आप अपने लाइफ में आपने बहुत तकलीफें झेली हैं कैंसर एंड आप अगर आप जिस पोजीशन में हो ना अपने आप से खुश रहिए अपने आप को बोलिए कि येस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ मुझे ये दिख रहा है कि आपने काफ़ी चीज़ें सर्वाइव की हैं नाउ यू आर एट दिस स्टेज लाइक लाइक लुक एट दिस कार्ड मतलब ये कार्ड का मतलब ही यही है कि आप लोग बहुत ही हाईली प्रोफेशनल लोग हो कैंसर दिस इज वेरी एनर्जी कमिंग इन वे कि आप लोग हाईली प्रोफेशनल लोग हो आप अपना काम करते हो घर जाते हो खुश रहते हो ना आपकी फालतू एक्सपेक्टेशन है लोगों से चीजों से बस आप अपने से एक्सपेक्ट करते हो यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन मुझे ये दिख रहा है कैंसर कि आप एक बहुत ही इमोशनली सैटिस्फाइड पर्सन बन रहे हो कैंसर यू आर बींगी विथ योर सेल्फ ना आप किसी लोगों पे डिपेंडेंट हो किसी चीज के लिए ना आप ना आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखो रखते हो फालतू तो की मुझे ये एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है एंड दिस कार्ड दिज टू एलिमेंट्स आई एम सीइंग दैट आप बिल्कुल एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बन रहे हो आप फाइनेंशली इंडिपेंडेंट बन रहे हो इमोशनली इंडिपेंडेंट बन रहे हो मेरे वीडियोस में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि लोगों को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए एंड यू आर एब्सोल्यूटली बिकमिंग दैट पर्सन एंड यू आर ऑन अ राइट ट्रैक कैंसर दिस इज अ अट्रॉन्ग मैसेज कमिंग फॉर यू इमोशनल हो बट आपको पता है कि किसको इमोशंस दिखाना चाहिए किसको इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए सो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज कमिंग फॉर यू कैंसर लेट्स चेक से क्या मैसेज आता है एंजल्स हायर बीइंग्स एंसेस्टर्स जनरल रीडिंग फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 ओके लेट्स कट द डेक ओके यू कट द सेवन ऑफ कप्स कार्ड हम्म फोर ऑफ वॉन्स ओके

प्पीनेस इनर हैपीनेस तो आपकी बढ़ रही है फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर आप अपने अंदर की खुश रहोगे और जो इंसान खुद में खुश रहता है ना वो दूसरों को खुशियां बांटते हैं विद दिस एलिमेंट एज वेल मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को काफी खुश रखोगे आप बहुत ही सोशल पर्सन बनने वाले हो काफी न्यू कनेक्शन भी बनाने वाले हो इन द मंथ ऑफ नवंबर सेवन ऑफ कप्स एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको शायद मल्टी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो मल्टीपल जॉब ऑफर्स आपके आने वाले हैं एंड आप कंफ्यूज होने वाले है. कि कौन सा जॉब चूज करना चाहिए कौन सा जॉब चूज नहीं करना चाहिए सेकेंडली आई एम सीइंग दैट कि कुछ ऑफर्स कुछ ऑफर्स या तो जॉब ऑफर या तो रिश्ता कुछ तो ऐसे ऑफर्स आने वाले हैं जो आपको काफ़ी कंफ्यूज रखने वाले मैं आपको बोलूँगी कैंसर उस केस में आप अपनी प्लीज सोच समझ का इस्तेमाल करके वो ऑप्शन चूज करिएगा इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल होकर वो डिसीजन लीजिएगा अपनी लाइफ में ये स्ट्रांग मैसेज आ रहा है अदरवाइज आप एक टैरो कार्ड रीडर या मुझे कंसल्ट कर सकते हो हम आपको बहुत अच्छे से गाइड कर लेंगे एंड uh, मुझे मटेरियलिस्टिक वेल्थ फर्नीचर um, कुछ हेल्थ रिलेटेड सामान काफी खर्चा करने वाले हो card, बहुत सी ट्रैवलिंग आते हुए दिख रही है फॉर यू इवन जो लोग सिंगल लोग हैं यस फॉर सिंगल पीपल अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू रोमांस रिलेशनशिप आते हुए दिख रहा है सम जो आपसे शायद दूर रह सकता है विद एनर्जी ट्रैवलिंग कमिंग फॉर यू न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर यू चीज़ें अगर आपकी लाइफ में बहुत स्लो स्लो चल रही थी नवम्बर से वो सारे काम फास्ट मोड पर चलने वाले हैं एंड आपके काम बनने वाले ओवरऑल आपकी जो अगर एनर्जी की बात करी जाए वही बहुत ही पॉजिटिव एंथोजियाटिक एंड एनर्जेटिक

उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो कैंसर लेट्स चेक आपके लिए जनरल एनर्जीज क्या हैं आपकी लव लाइफ में ओके फ्लर्ट हम ओके सेल्फ लव दैट्स अ गुड कार्ड एंड फॉरगिवनेस देखो सेल्फ लव तो आप कर ही रहे हो आपकी जनरल रीडिंग में भी आया था एंड फॉरगिवनेस का कार्ड है ओके लेट्स चेक एंजल्स हायर बीइंग्स एंसेस्टर्स Love life for cancer in the month of November 2023. Yes, let's check. Okay, let's cut the deck. Current energies of your partner, alchemist, intention of your partner, four of swords, future action of your partner, adal, your energy, what? and future of this relationship, five of swords. Hmm. nine of cups. You are strongly dealing with a Leo, Libra, Aquarius, Gemini. विद wow. Okay. एक्वेरियस जेमनाइन uh, Quite complicated cards. मुझे बताओ एक चीज तो ये दिख रही है कि ये जो पर्सन है आपने जिसको भी अपने माइंड में रखा है ये कमिटेड फोबिक इंसान है ये कमिटमेंट से डरते हैं एक तो मुझे ये चीज साफ साफ दिख रही है ओके एंड कहीं ना कहीं यू हैव दर्टन एक्सपेक्टेशन विल चेंज आपको कमिटमेंट देंगे बट मुझे वो ऐसी चीजें होते हुए दिखनी नहीं है ओके करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर कहीं ना कहीं अपने करियर में बहुत बिजी है बट एट द सेम टाइम आई एम सींगे रिल लाइक यू दे रिली रिस्पेक्ट यू कैंसर वो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं आपके जो भी आप करियर में हो जो भी काम करते हो जैसे एज अ पर्सन हो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मजिशियन इज एन एनर्जी ऑफ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अपने मन की है बहुत ही जिद्दी है एंड मुझे ये भी देख रहा है आप दोनों का काफी ईगो क्लाशेस भी होता है तो करेंट एनर्जी की बात करी जाए दे आर रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू

मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे एज में काफी बड़ा दिख सकता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है तो करेंट एनर्जी के मामले में ये है नाउ लेट सी वॉट इज इट इंटेंशन फोर हैव लाइक इसका कोई इंटेंशन नहीं है ना तो इनका इंटेंशन अच्छा है ना तो इनका इंटेंशन बुरा है इनका इंटेंशन कुछ भी नहीं है मैं एक चीज बताऊंगा आंसर अब ये बात आप शायद बहुत लोगों को हर्ट करेगी डिसलाइक करके चले जाएंगे कमेंट करेंगे रॉन्ग रीडिंग या आई डोंट केयर अगर आज के दिन या आज से अगर आप इस इंसान से बात भी करना बंद कर दोगे ना इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा ये इस किस्म के इंसान है तो इनका इंटेंशन कुछ भी नहीं है आपके लिए और आपकी जनरल रीडिंग प्लीज कैंसर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपनी जनरल रीडिंग देखें प्लीज सेल्फ लव का कार्ड सेल्फ लव प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर एक्शन अदाल लाइक 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 आई सेड दिस इज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ये बंदा बंदी न्यूट्रल है ये फ्यूचर एक्शन में मुझे कुछ भी एक्शन होते हुए नहीं दिख रहा अदाल जस्टिस का कार्ड है तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है या गलत बर्ताव किया है तो ये कहीं ना कहीं आके आपको एक्सप्लेनेशन देंगे कि व्हाई दे डिड ड्रॉप टू यू या व्हाट वाज देयर इंटेंशन बिहाइंड बिहाइंड सच थिंग्स मुझे दिख रहा है अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो फाइव टू इलेवन डेज में आप दोनों का कॉन्टैक्ट हो जाएगा बट इनका जो फ्यूचर एक्शन है ना वो नॉर्मल रहेगा अगर आप कमिटमेंट फ्यूचर एक्शन प्रपोजल एंड दिस एंड दैट ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पर्सन आपको नहीं देगा और मेरे हिसाब से मुझे एक चीज और दिख रही है वेरी क्लियरली कि इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कैंसर कि यार मैं कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता हूँ मेरा इंटेंशन ये है दिस पर्सन हैज ऑलवेज बीन ऑनेस्ट विथ यू या अगर ऑनेस्ट नहीं है तो ये अपनी ऑनेस्टी बताएंगे आपको ही दे विल विल बी दे गेट ऑनेस्ट विथ यू और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं है एंड इफ दिस रीडिंग इज नॉट रेजोनेटिंग विथ यू देन डोंट वॉच इट प्लीज कैंसर समझना चाहिए कि टैरो रीडिंग बहुत ही कम लोगों को रेजोनेट होती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ सो एनी ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते घूमना फिरना चाहते और कुछ नहीं करना चाहते लाइक like आई मैंने कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं की, ये आपको धोखा देना चाहते हैं या आपसे बदतमीजी करना चाहते हैं आपको जोड़ बोल के ये करना चाहते हैं नो एब्सोल्यूटली नो बिकॉज दिस पर्सन इज विद देयर इंटेंशन लाइक आई सेड मेरे वीडियोज में इंटेंशन मैटर करता है ये चीज है आप आपकी एनर्जी आप सुपर डुपर अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ से ये भी है बट आप बहुत ज्यादा बहुत एनर्जी है बैड वे एंड कहीं ना कहीं यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन कैंसर मुझे आपके जनरल रीडिंग में भी ये चीज आई थी दट यू आर वेरी इंडिपेंडेंट वेरी आप ना अपनी नीड्स स्पेशलीमोशन लीज किसी के ऊपर थोपते नहीं हो यू आर यू है अपनी रिस्पेक्ट रख के अलग हो जाते हो आप ऐसे पर्सन हो तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि कैंसर यू आर ऑन राइट पाथ यू नो वॉट यू हैव टू डू आप करेक्ट पाथ में हो आपको इतनी कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है बट कहीं ना कहीं इफ यूर लुकिंग फॉर अमेटेड रिलेशनशिप एंड आपको पता है ये पर्सन रेडी नहीं है मैं बोलूंगी बेवकूफ मत बनो आगे बढ़ो लाइफ में इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप अदरवाइज इफ यू वांट टू हैव फन एंड हैव फन नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्यूचर एक्शन देखो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है मैं सच बता रही हूँ कि अगर इस पर्सन ने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी और आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो ये आपको गोस्ट करके धोखा देके चले जाएंगे फ्यूचर में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे आने वाले टाइम पे जो धोखा देके जा सकता है सो काइंडली बी केयरफुल विद डैट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कैंसर दैट इफ यू आर ऑन दिस इफ यू आर ऑन दिस ऑफ फाइंडिंग रॉन्ग पीपल ऑल द टाइम एक होता है ना कि आप एक ऐसे फेज में होते हो लाइफ में जिसमें आप सिर्फ गलत लोगों से मिलते हो सिर्फ कैजुअल लोगों से मिलते हो तो मेरे हिसाब से ऐसे पैटर्न को स्टॉप कर देना चाहिए और सिंगल रहना चाहिए देखो अगर आप डेटिंग ऐप इस्तेमाल करो डेटिंग ऐप में ऐसे ही लोग मिलेंगे जस्ट टू बी वेरी क्लियर मुझे तो मुझे चिड़ मचती है उन लोगों से जो डेटिंग ऐप में मिले हुए लड़के लड़कियों की एनर्जी चेक करवाने आते हैं कैजुअल टाइम

इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मुझे कोई फ्यूचर होते हुए नहीं दिख रहा है और अगर आप कोई और इश्यूज़ है तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेंगी दिस वॉज माई लव लाइफ रीडिंग आई होप यू लाइक माई रीडिंग इफ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू